इंदौर सदैव सामाजिक राष्ट्र निर्माण और विकास में योगदान देने हेतु तत्पर रहा है। इसी भावना के साथ संस्थान ने 22 जनवरी को मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर IIM इंदौर के प्रोफेसर हिमांशु राय और मध्य प्रदेश शासन के उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 3 साल तक लागू रहने वाले इस समझौता ज्ञापन के तहत IIM इंदौर MPIDC के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही दोनों संस्थान मिलकर सहयोग के नए क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए तत्पर है, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो हमने पुराने जो अभी तक के काम हुए हैं उनको, जो नीतियां हमारी प्रचलित हैं उनको ध्यान में रख करके और जो अवसर उत्पन्न हुए हैं आत्मनिर्भर भारत के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत, अन्य जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनके तहत भी, उनको शामिल करते हुए हम लोग अपनी नए पार्क, नए पॉलिसीज और नए कदम उठा रहे हैं। हमारे ऑनरेबल CM साहब ने रोजगार बढ़ाने के लिए और औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए, बेसिकली दो ही बात है, रोजगार बढ़ाना है और आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी है। एक आर्थिक गतिविधि बढ़ती है तो चेन रिएक्शन से कई अन्य आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। तो उसमें हम लोग जो IIM एक संस्थान है जो इंदौर में भी है और IIM के और भी ब्रांच हैं, अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, तो पूरे दुनिया में इसकी साख है, हम सब जानते हैं। यहाँ के स्टूडेंट वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं, जो Fortune 500 कंपनियाँ हैं, उनके सीनियर मैनेजमेंट में बैठे हैं। कोई उसका MD है, कोई CEO है, कोई CFO है, वगैरह वगैरह। तो हमारे पास एक सेंटर है जहाँ पे क्षमता है, जहाँ पे बौद्धिक क्षमता है, तो हम लोग मिलकर अब काम करेंगे। ये आज ये उसी का MOU साइनिंग का कार्यक्रम हुआ है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।